हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। रक्तचाप को ही रक्तदाब भी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि रक्तचाप होता क्या है। उससे पहले नाम से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि रक्तदाब या रक्तचाप। रक्त मतलब होता है ब्लड, रुधिर, और दाब मतलब एक तरह से जो उस पर जो प्रेशर बनाया जाता है, उस पर जोरों से जो बल लगाया जाता है, वो हुआ दाब। यानी रक्त जो दाब लगाएगा, तो रक्त दाब लगाएगा कहाँ पे? तो हम पिछले कक्षाओं में बताए हैं कि वो रक्त वाहिनियों से होकर जाता है, और किसकी मदद से कौन उसको भेज रहा था? हृदय। तो हृदय भेज रहा था, और वो जा किस रास्ते से था? तो रक्त वाहिनी से। तो वाजिब सी बात है कि वो जिधर से जाएगी उसी पे ना बल लगाएगी। यानी वो अपना बल कहाँ लगाती है? रक्त वाहिनिया पर लगाती है। लेकिन भेजने का काम कर रही थी कौन? हृदय। तो हृदय हमारे शरीर का केंद्रीय पंप अंग है, और हृदय के ही वजह से हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? ब्लड पहुंचता है। तो वाजिब सी बात है कि ब्लड प्रेशर के चैप्टर में हृदय की भूमिका होगी ही। हृदय क्या करती है? तो हृदय ही तो वो अंग है जो हमारे शरीर में क्या करती है? ब्लड को दबाव डाल के उसे पूरे शरीर में भेजने का काम करती है। और वो क्यों भेजती है, कैसे भेजती है? तो हृदय में लगातार संकुचन और सिकुड़न और फैलाव की वजह से ब्लड हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? फैलता है। यानी हृदय सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, और ब्लड जाकर के आगे शरीर में फैलता है। तो इस वजह से यानी ब्लड पर प्रेशर बनाता कौन है, कौन भेजता है? तो हृदय भेजता है संकुचन और शिथिलन के वजह से, यानी सब सिकुड़ने और फैलने की वजह से। तो हम लोग देखते हैं रक्तचाप। रक्तचाप की परिभाषा क्या है? तो हम बताए थे कि महाधमनी, हृदय के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि महाधमनी क्या करती है? शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर के पूरे शरीर में भेजने का काम करती है। तो केवल महाधमनी ही तो पूरे शरीर में नहीं जाती होगी, उसकी सहायक शाखाएं भी होगी, यानी अन्य भी उसकी मददगार शाखाएं होगी जो उस महाधमनी की मदद करती होगी। तो हृदय से लेकर के यानी हृदय ने दबाव के साथ उस रक्त को भेज दिया है, तो वो जो भेजा है तो महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाएं जितनी भी होगी, तो महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाओं से रक्त का प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। यानी महाधमनी और उसकी जो भी कोई शाखाएं हैं जो उसकी सहायता करती है ब्लड को ले जाने में, तो उस पर जो ब्लड के द्वारा दाब बनाया जा रहा है, उस नलिकाओं पर जो दाब बनाया जा रहा है जब वो ब्लड उससे होकर के गुजर रहा होता है, वही दाब क्या होता है? वही दाब है हमारा ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। ये ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, यानी या तो वो सिकुड़ने की वजह से हो सकते हैं, या तो वो फैलने की वजह से होते हैं। यानी दो कंडीशन हमने जो बताया, सिकुड़ना और फैलना, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। क्या है? तो रक्त पर दाब निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है। निलया, अगर दोनों निलय संकुचित होते हैं, सिकुड़ते हैं, कौन निलय? चार वेश्म के बारे में बताए थे, चारों वेश्म में से जो निचला वेश्म होता है वो निलय कहलाता है। और अगर दोनों निलय में संकुचन हुआ, सिकुड़ गया, तब जो वो ब्लड फेंकेगा आगे की ओर, हृदय जो ब्लड भेजेगा शरीर में, उस वक्त जो ब्लड के द्वारा उस नलिकाओं में दाब बनाया जाएगा, वो दाब क्या कहलाएगा? वो दाब हमारा कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहे? जब निलय क्या हुआ, संकुचित हुआ और रक्त पर दबाव बनाया, इसका मान 120 mm। देखिए यहाँ पे इसका मान 120 mm, यानी mm का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर, और Hg मतलब होता है पारा, जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं। तो यानी जब निलय सिकुड़ता है, तब उस वक्त कितने दाब से रक्त को वो भेजता है, उसका मान कितना होता है? तो उसका मान अगर पारे के मान के बराबर देखा जाए, मिलीमीटर पारे का मान के बराबर देखा जाए, तो वो मान निकल के आता है 120। तो इसका मतलब कि सिस्टोलिक प्रेशर का मान कितना होता है? 120 mmHg। mmHg का मतलब हमने बता दिया, मिलीमीटर मरकरी। तो ये था सिस्टोलिक प्रेशर, यानी निलयों के संकुचन के बाद ब्लड पर बनाया गया प्रेशर। ये हो गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा बताता है कि इसी तरह निलय के शिथिलन, शिथिलन मतलब होता है फैलाव। जिस प्रकार से
संकुचन मतलब सिकुड़ना होता है, उसी तरह से शिथिलन मतलब होता है फैलना। तो हृदय जब फैलेगा और हृदय फैलेगा और रक्त पे तब जो दाब उत्पन्न होगा वो दाब कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिकुड़ने पे था सिस्टोलिक और यहाँ पे फैलने की बात करें, अगर निलयों में फैलाव हो जाता है, वो फैल जाता है, तब जो ब्लड पर दाब बनता है वो दाब क्या कहलाता है? डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। इसका मान जिस प्रकार से इसका मान 120 था, इसका मान होता है 80 mmHg होता है। कितना होता है? 80 mmHg। यानी अगर सिकुड़ा तो 120 और अगर फैला तो वो 80 mmHg के बराबर होगा। और एक सामान्य मनुष्य के लिए अगर आप स्वस्थ है या नहीं है उसकी जांच करने के लिए एक तरीका हमारा ब्लड प्रेशर भी नापा जाता है। तो इसमें अगर आपका मान, अगर आप स्वस्थ है तो आपका मान क्या आता है? 120/80 आता है। अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है तो वो कोई बात नहीं है, अगर ज्यादा का अंतर होता है तब आप की स्थिति नॉर्मल नहीं है, आप सामान्य नहीं है, आप बीमार हैं शायद। तो हमारा नॉर्मल सामान्य व्यक्ति के लिए ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है? 120/80। तो यही था हमारा अगला पॉइंट कि सामान्य व्यक्ति के लिए नॉर्मल मान कितना होता है? 120/80। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पे। उसके बाद है हमारा अगला, तो हम जो ये बोल रहे हैं 120/80, तो ये मुंह से तो डायरेक्ट ही नहीं माप सकते या फिर हम लोग ऐसे सीधे नस पे हाथ रखे, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। इसके परफेक्ट तौर पे मापने के लिए कुछ न कुछ यंत्र होते हैं, यानी उपकरण होते हैं। तो हमारे ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एक विशेष प्रकार के उपकरण पाए जाते हैं, जिस उपकरण का नाम आपके सामने है, क्या है? देखिए, स्फिग्मोमैनोमीटर। आप लोग नाम से परिचित होंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर ही वह उपकरण है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। और एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। चलिए, ये भी हमने देख लिया, हमें लगता है कि आप लोग समझते जा रहे हैं और नोट करते चलिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। अब अगला है हमारा कि अभी हम तुरंत बोले कि अगर ऊंच नीच आता है आपका मान, अगर थोड़ा सा ऊंच नीच आता है तब तो कोई बात नहीं, वो नॉर्मल है, कुछ दिन बाद फिर सामान्य पे आ जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा का गैप आता है, जैसे हमने बताया कि सिकुड़ने का मान कम से कम सिस्टोलिक प्रेशर जो बता रहे थे, सिस्टोलिक प्रेशर का मान कितना था? 120। अगर 120 से आपका मान ज्यादा आता है तब तो ये बहुत ज्यादा, जैसे 140 तक आ गया तब तो आपकी स्थिति नॉर्मल नहीं है। यानी हम क्या बताए, 140 तक अगर आ जाता है, लेकिन नॉर्मल मान बताया कितना था? सिस्टोलिक मान हम बताए थे 120 ही। और अगर आपका मान 140 आ रहा है, ऊपर वाले का मान यानी सिकुड़ने वाले का मान अगर 140 आ रहा है, तो हम तो दोनों का मान बोल रहे थे ना कि 120/80 मान है। कितना मान है? 120/80। और आपका मान अगर ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक मान अगर आपका कितना आ रहा है? 140 आ रहा है। तो बस इसके बढ़ जाने से नहीं, अगर नीचे वाला भी बढ़ रहा है यानी डायस्टोलिक भी अगर बढ़ रहा है, अगर डायस्टोलिक मान लीजिए 90 हो जाता है और सिस्टोलिक भी बढ़ के कितना हो गया? 140। तो आप ही देख रहे हैं कि 120 से ज्यादा होता है 40, यानी ये मान आपका बढ़ गया है। और निचला मान यानी डायस्टोलिक मान 80 जो होता है नॉर्मल का, अगर आपका वो बढ़ करके 90 हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर क्या है? हाई है। यानी इस स्थिति को आप नॉर्मल तो नहीं कहिएगा, तो इस स्थिति को कहा क्या जाता है? तो इस स्थिति को कहा जाता है हाइपरटेंशन। यहाँ पे एक पॉइंट बन गया कि अगर आपके ब्लड प्रेशर का मान नॉर्मल से ज्यादा यानी 120/80 से ज्यादा आता है, अगर कितना आता है तो 140/90 अगर आ रहा है या उसके आसपास आ रहा है, इसका मतलब हाइपरटेंशन आपको हो रहा है। आप अगर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं या बहुत ज्यादा खुश हैं, उस कंडीशन में हाइपरटेंशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी बहुत ज्यादा चिंता करना, तनाव में रहना, अत्यधिक भी खुश ना हो जाना, इन सभी के वजह से हाइपरटेंशन होता है। और हाइपरटेंशन का मान कितना हुआ? तो 140/90 अगर आता है तो अगर बहुत ज्यादा मान आ गया 120 से ऊपर आया तो हाइपरटेंशन। और अगर आपका मान नॉर्मल मान से कम आ रहा है तो उसका भी कोई ना कोई नाम होगा। तो अगर आपका मान 120/80 mmHg से कम आ रहा है, कम मतलब कितना ले लीजिए, मान लीजिए कि
लीजिए 100 और नीचे ले लीजिए 80 होता है, और 80 ले लीजिए 60, यानी दोनों का मान आपको क्या दिख रहा है, 120 बाय 80 होता है, और हम बता रहे हैं कि 100 बटे 60 mmHg आपके ब्लड प्रेशर का मान आ रहा है। इसका मतलब आपका नॉर्मल से बहुत कम है। तो आप इस कंडीशन में आपको क्या कहा जाएगा, आप हाइपोटेंशन के शिकार है। आप क्या है, हाइपोटेंशन, यानी इस स्थिति में भी आप कमजोर हो जाएंगे। आपको बहुत तरह के मेडिसिन खाने पड़ सकते हैं, और इन दोनों ही स्थिति में हमें डॉक्टर से उपचार कराना आवश्यक होता है। तो प्रायः हमारे लिए ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का कम होना हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का उच्च मान यानी 140/90 जो हम बोल रहे हैं, अगर ये मान आपका आ रहा है तो आपके लिए ये खतरनाक है। कैसे, तो कभी कभी इस कंडीशन में, हाइपरटेंशन की कंडीशन में हमारी नसें तक फट जाती है, सामान्य हमारे मस्तिष्क की नसें फटने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। जब कभी हम लोग बहुत ज़्यादा, मान लीजिए हम तो बहुत सारा यहाँ पे उदाहरण दिए कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तनाव में है, तो हम लेते हैं तनाव वाली बात। आप अत्यधिक तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, और कभी ऐसा कुछ ज़्यादा ही दुखी वाला कुछ सुन लिए, तो आपकी नसें उस समय में, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आपका बहुत ज़्यादा मान चला गया, तो उस कंडीशन में रक्त क्या करती है, रक्त तो नली से होकर के जाती है, वाहिनी से होकर जाती है, तो रक्त जो महाधमनी से होकर गुजर रही होती है, उस वक्त उसकी शाखाएं जो मस्तिष्क वगैरह अन्य जगहों पर होती है वो फट सकती है। और जब वो फट गई, मान लीजिए वो फट चुकी है, तो फटने के बाद, और हम जानते हैं कि ब्लड अपने साथ पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, ये सब लेकर के साथ जाते हैं, और अगर नसें फट गई तो वाजिब सी बात है कि वो नसें जहाँ को जा रही थी वहाँ तो अब नहीं पहुँचेगी, क्योंकि वो बीच से ही फट गई है और वो ब्लड वहाँ से होकर जा रहा है, तो अब वो ब्लड वहीं पे रुक जा रहा है और वहीं शरीर के अंदर ही बहना शुरू हो गया, शरीर के अंदर ही क्या हो रहा है, वो बहना चालू हो गया है, यानी जिस अंग तक उसको जाना था वहाँ नहीं पहुँच रही है, और वो बीच में ही फट गई है, कहीं भी फट गई है, तो उसका आंतरिक स्राव होने लगा है, अंदर में ही बहने लगा है। तो उस कंडीशन में उसको जिस अंग को पहुंचाना था वो पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, वो नहीं पहुंच रहा है, और ऐसे कंडीशन में उस अंग की कोशिकाएं क्या हो जाती है, मृत होना शुरू हो जाती है। और अगर ज़्यादा देर तक आप डॉक्टर के पास नहीं गए, उपचार नहीं कराए, तो आपकी वह उस अंग की सारी कोशिकाएं मृत हो जाएगी, और धीरे धीरे करके अगर मस्तिष्क के साथ ऐसा हुआ है, मस्तिष्क की नसें फटी है, तब ऐसे कंडीशन में इस मरीज को बचाना मुश्किल होता है। तो ये था हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में मुख्यतः नसें फटने का ज़्यादा चांस होता है, इसीलिए आप कभी भी ज़्यादा मानसिक तनाव में ना रहे, किसी भी गम में हमेशा मुस्कुराते रहिए, और बहुत ज़्यादा नॉर्मल, कहते हैं कि नॉर्मल से कम भी नहीं होना है, लेकिन हमने क्या बताया कि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, अगर कम आता है तो आप तरह तरह के उपचार करके ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ हाइपरटेंशन आता है तो बहुत जोर का झटका के साथ अचानक कुछ पल में भी आपकी मृत्यु हो सकती है। यानी तो कभी ऐसा कभी कभी होता है कि समय नहीं मिल पाता है मरीज को, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आजकल डॉक्टर के पास बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो सामान्यतः नॉर्मल स्थिति में लाया जा सकता है। तो ये था हमारा ब्लड प्रेशर। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और थोड़ा बहुत शेयर भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो जल्दी मिलते हैं।